चाइल्ड डेवलपमेंट, मतलब एक चाइल्ड के डेवलपमेंट की कौन कौन सी स्टेज होती हैं वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे. अलग अलग स्टेज हम यहाँ पे स्टडी करेंगे और इन जो जो भी इन स्टेज की स्टेज पे एक बच्चे की विशेषता रहती है भाई, वो मैंने साथ साथ बहुत मेहनत से ये बनाई है और हर पॉइंट को ऐड किया है, तो आप इनको ध्यान से पढ़ें. सबसे पहली जो स्टेज होती है इसको हम गर्भावस्था भी बोलते हैं, और इंग्लिश में बात करें तो इसको प्री नेटल स्टेज के नाम से जाना जाता है. जो टाइम पीरियड होता है भाई, इसका टाइम पीरियड होता है 9 मंथ्स का और 280 डेज़ का. इसे प्रसव पूर्ण अवस्था भी कहा जाता है. इसको ध्यान रखना है, प्रसव पूर्ण, प्रसव मतलब डिलीवरी होने से पहले की अवस्था ये है जब एक बच्चा अपने माँ के गर्भाधान में होता है, कंसेप्शन होता है एक बेबी का, ठीक है. माता के गर्भाधान से कंसेप्शन से शुरू होता है हमारा प्री नेटल स्टेज, तो ये गर्भावस्था होती है, ठीक है. सेकंड जो स्टेज होती है भाई, उसको बोलते हैं हम इन्फेंसी स्टेज, और हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं शैशवावस्था. एक तो आपको इसका जो एज है वो आपको याद रखनी होती है कि जो एज है इसकी वो होती है 0 से 2 साल तक. इसको हम सीखने का अनोखा व आदर्श काल भी कहते हैं. सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो मैं इन्हीं को रीड करूँगी. हम इसे सीखने का अनोखा काल और सीखने का आदर्श काल, दोनों ही हम शैशवावस्था को बोलते हैं. इसमें शारीरिक वृद्धि बहुत तेज़ी से होती है, मतलब एक बच्चों के शरीर में जो परिवर्तन आता है, उसके हाइट बढ़ना, वेट बढ़ना, तो ये बहुत तेज़ी से होती है. बच्चा इसमें सेंसेस से सीखता है, ठीक है, इमिटेशन से सीखता है, मतलब वो अपने बड़ों को जैसा करते देखेगा वैसे ही वो करेगा. एक गोल सेट करता है, गोल सेट करता है मतलब वो अपनी लाइफ के लिए कोई टारगेट सेट नहीं करता, अपने फ्यूचर के लिए नहीं करता. सपोज गोल सेट करने का मतलब यहाँ ये है, वो किसी चीज़ को कहीं फेंकेगा, फेंक देगा और फिर उसी चीज़ को वो उठा के लेके आएगा, ठीक है. इस एज में बच्चों के अंदर 0 से 2 साल के बच्चों में सेपरेशन एंजाइटी होती है. सेपरेशन एंजाइटी का मतलब क्या होता है कि जब एक बच्चा माँ से दूर होता है तो दूर जाने पर वह रोने लगता है, और ये जो सेपरेशन एंजाइटी है ना, ये तो 0 से 6 महीने की एज तक ही आ जाती है. मोरलिटी बिल्कुल नहीं होती, नैतिकता बच्चों के अंदर नहीं होती, उनको सही और गलत का पता नहीं होता, और पूरी तरह से एक बच्चा किस पर डिपेंड रहता है, बच्चे का व्यवहार एक पूरी तरह से माँ पे डिपेंड करता है, ठीक है. वो हर तरीके से अपनी माँ पे ही डिपेंड रहता है. नेक्स्ट जो रहेगा हमारा चाइल्डहुड स्टेज रहेगी, हिंदी में हम इसको बोलते हैं बाल्यावस्था. जो चाइल्डहुड स्टेज है भाई, उसको दो में डिवाइड किया गया है. एक पूर्व बाल्यावस्था, इसको बोलेंगे हम अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, और एक होती है उत्तर बाल्यावस्था, इसको बोलते हैं लेटर चाइल्डहुड स्टेज, ठीक है. पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था को पहले हम स्टडी करेंगे. इसकी एज जो टाइम है वो है 2 से 6 साल, और लेटर चाइल्डहुड की है भाई 6 से 12. तो इसको खिलौनों की आयु कहा जाता है, टोली की अवस्था कहा जाता है, और टोली की आयु उत्तर बाल्यावस्था को भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है. अर्ली चाइल्डहुड के कुछ और पॉइंट है, खेल आयु, शूडो मैच्योरिटी, प्री स्कूल एज, क्योंकि इसी एज में बच्चा स्कूल जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बच्चा करता है, भाषा का विकास तेजी तेजी से होता है, तो ये एक सेंसिटिव पीरियड होता है भाषा अर्जन के लिए, कल्पनाशीलता ज़्यादा होती है बच्चों में, वो गेम्स में बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, क्यूरियोसिटी बच्चे के अंदर ज़्यादा होती है, इमिटेशन, बच्चा दूसरों की नकल करता है, अपने बड़ों को जैसा करते हुए देखता है वैसा ही वो करता है, और टॉय इज, बात कर चुके हम खिलौनों की आयु, इसे कहा जाता है. और अगर हम लेटर चाइल्डहुड की बात करें तो इस एज में बच्चे बहुत ज़्यादा दोस्त बनाने लगते हैं. ये एक स्कूल जाने की एज होती है, ये तो प्री स्कूल एज है, और ये स्कूल जाने की एज है. इसमें बच्चा नंबर के बारे में, मास के बारे में, एरिया के बारे में, मैथमेटिक्स में, ये सब कुछ वो समझने लगता है. उसके मोटर स्किल्स का विकास प्रारंभ हो जाता है. एलिमेंट्री स्कूल एज भी इसको बोला जाएगा. बच्चे के अंदर लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है, चीज़ों को देखकर वह सोचता है कि ये ऐसा है तो क्यों है. इसको गंदी अवस्था के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि तो बच्चा इसमें खेलता है, उसको सेंस नहीं होती किसी भी चीज़ की, उसको नहीं पता कि आप खेल रहे तो आप डर्टी हो रहे हो या कुछ है, जो भी है, इसको गंदी अवस्था के नाम से भी जाना जाता है. स्मार्ट एज भी बोला जाता है गेम स्टेज के नाम से. और स्टोरेज की प्रकृति, मतलब किसी भी चीज़ को, सपोज कंचे हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा कंचे स्टोर करके रखते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे कंचे खेलते हैं, जैसे ताश वगैरह खेलते हैं आजकल ये,
कार्ड्स आते हैं पोगीमैन वगैरह के, तो इन कार्ड्स वगैरह को स्टोर करके रखना, तो एक स्टोरेज की प्रवृत्ति बच्चों के अंदर मिलती है और इसको अनोखा काल भी कहा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको ध्यान रखना है। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल बोला है काल ब्रूस ने, और निर्माणकारी काल बोला है फ्रायड ने। किसको बोला है, कौन सी अवस्था को, बाल्य अवस्था को। प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल इसको बोला है किल पैट्रिक ने। आप ये ठीक कर लेना भाई, किल पैट्रिक। नेक्स्ट मूव करते हैं जो एक तूफान की अवस्था है, और वो है हमारी एडोलसेंस एज। टाइम पीरियड होता है 12 या 13 से लेके 18 साल तक, किशोरावस्था इन हिंदी एंड एडोलसेंस इन इंग्लिश। इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है क्योंकि इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस काफ़ी रहता है। संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान और उलझन का काल इसको बोलते हैं। और ये जो काल बोला है ये किसने बोला है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये स्टेनली हाल ने बोला है। इस अवस्था की अगर हम बात करें तो अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन ज़्यादा रहती है। गोल्डन एज इसको बोला गया। हीरो वर्शिप क्यों बोला गया, क्योंकि इसमें बच्चा एक आइडल सेट कर लेता है, एक हीरो को, उसी को वो सब कुछ आइडल मान के कार्य करता है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बच्चे के अंदर डेवलप होती है, मतलब एक तो थिंकिंग होती है कि जो चीज़ें हमारे सामने हैं उन चीज़ों के बारे में हम सोचते हैं, वो हमारी लॉजिकल थिंकिंग है। और एक जो चीज़ें हमारी आंखों के आगे नहीं है, सपोज प्लैनेट्स नहीं है, फिर भी हम उनके बारे में सोच रहे हैं वो कैसे हैं, कैसे वो चक्र लगाते हैं सूर्य के चारों ओर जितने प्लेनेट हैं। तो ये जो थिंकिंग है वो उन चीज़ों के बारे में सोचना जो डायरेक्ट हमारे परसेप्शन में नहीं है, हमारी आंखों के आगे नहीं है और हम उनके बारे में सोच रहे हैं, तो वो हमारी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, ठीक है। और बुक एडोलसेंस भी बोला है स्टेनली हाल ने। काम प्रवृत्ति की भावना अधिक होती है इसमें, कल्पना शक्ति बहुत अधिक हो जाती है। और क्योंकि क्योंकि यहाँ पे बच्चा अपने फ्यूचर पे ध्यान देता है, तो ये इसको भावी जीवन की आधारशिला हम बोल सकते हैं कि फ्यूचर में बच्चे को अगर डॉक्टर बनना है तो वो मेडिकल स्टडी करता है, तो ये एक तरह से भावी जीवन की आधारशिला है। ट्रांजिशनल पीरियड है, परिवर्तन का काल है, बच्चे में परिवर्तन आता रहता है। तो ये कुछ पॉइंट थे हमारे किशोरावस्था के, और सारे ही इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने मेंशन किए हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप यहाँ से ये सारे पॉइंट रीड करते हैं, तो डेफिनेटली यू कैन क्रैक द क्वेश्चन इफ़ यू फेस इन योर कमिंग एग्ज़ाम। ओके।